मैन आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फोर। न्यूज इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों पर। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा अनैतिक कार्यों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मक्सी रोड उद्योगपुरी में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश मारी। इस दौरान पुलिस की टीम ने दो महिलाओं सहित 7 पुरुष को गिरफ्तार किया। दरअसल CSP पल्लवी शुक्ला और उनकी टीम ने रविवार शाम को पनवासा थाना क्षेत्र के मक्सी रोड उद्योगपुरी में एक मकान में दबिश दी। इस दौरान मकान के अंदर एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में 2 महिलाओं सहित 7 पुरुष शामिल थे। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान दैहिक शोषण भी किया जाता था। सर, उज्जैन पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता मिली है, सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, क्या है पूरा मामला? थाना पवासा क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है, जहाँ पर उद्योगपुरी में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक गोदाम में गोदाम नुमा एक कमरा है, वहाँ पर ये गतिविधि संचालित थी, जहाँ पर 2 लड़कियाँ और 7 लड़कों को वहाँ पर पकड़ा गया है, जिनके पास से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं। कार्रवाई जो है थाना पवासा के अंतर्गत की गई है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई करने को नज़र आ रही है और किस प्रकार से जानकारी पुलिस को मिली और वहाँ तक पुलिस को सूचना मिली थी, उस सूचना पर थाना प्रभारी पवासा के द्वारा और वहाँ कार्रवाई की गई है। और जो ये जो कार्रवाई है ये पीट एक्ट के तहत की गई है। हमारे न्यूज़ इंडिया फोर चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।